ये यहाँ क्या कर रहा है? ये यहाँ कैसे टपक पड़े? हेलो सर, क्या हाल है? क्या चल रहा है? लव चल रहा है। क्या कहा लव? कुछ लोग सुधरते ही नहीं। कोई चांस ही नहीं है सर। आपका क्या चल रहा है? मेरा क्या चलेगा, बस वही लेक्चर्स। कुछ लोग सुधरते नहीं। तुम्हारी उम्र में मैं सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देता था और मुझे एग्जाम्स में 95% मिले थे। बिना व्हाट्सएप और फेसबुक के इतने परसेंटेज लाना बच्चों का खेल है सर। तुम्हें समझाना, यानी आ बैल मुझे मार। बैल नहीं शेर, आपका फ्लोर आ गया। यहाँ लेक्चर देने आए हैं? मेरी बेटी यहाँ शॉपिंग कर रही है, उसे पिकअप करने। मेरी गर्लफ्रेंड भी यहाँ शॉपिंग कर रही है। तो तुम उसको शॉपिंग कराने यहाँ आए हो? नहीं, उसकी शॉपिंग हो जाएगी तो जरा सा टचिंग करने। बस बस निकलो यहाँ से। देख तो लो आपकी बेचारी बेटी दिखती कैसी है। आप चलिए सर। मैं भी रुकता हूँ, तुम्हारी अभागन गर्लफ्रेंड को देख लेता हूँ। अच्छा, दान तड़ान। जाओ, मर गए। आपकी बेटी मुझे जाने को कह रही है, मैं जा रहा हूँ। पिटेगा बाबू। ओह माय गॉड, डैडीज डे आउट। पापा, घूम के यहीं आना था। जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। हे, ऐसे लड़के को तुमने बॉयफ्रेंड बनाया, पहले बताया क्यों नहीं? चेक शर्ट वाले के बारे में बताया तो था। चेक शर्ट बताया था, पर उसका नाम नहीं। मुझे नहीं पता था कि आप उसे पहले से जानते हो। वो बहुत बिगड़ा हुआ लड़का है, मुझ जैसा स्ट्रिक्ट लेक्चरर भी उसे कॉपी करते हुए रोक नहीं पाया। वो सरदर्द के बाम तक को सरदर्द दे सकता है। मुझे अगर पता होता ना कि अब तुम्हारी लाइफ में वो। तुमने मुझे जाने को कहा तो मैं चला क्यों गया? पापा। हेलो पापा, तुमने मुझे जाने को कहा तो मैं चला क्यों गया? ये मेरी बेटी है। ये भी तो यही कह रही है ना। एक मिनट, तुमने मुझे जाने को कहा तो मैं चला क्यों गया? एक्चुअली तुमने मुझे कहा ही क्यों? ए, सुनो, ये मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है, कोई मजाक नहीं है। सवाल तो मेरी जिंदगी का भी है ना, मुझे अपनी जिंदगी मजाक नहीं बनानी है। तो 25 साल तक मैंने इसे संभाल के रखा, अगले 6 महीनों में मैं इसकी शादी करने वाला हूँ। प्लीज मुझे टेंशन मत दो। जिस बेटी को आप 6 महीने में दूर करेंगे उसके बारे में इतना टेंशन हो रहा है? मुझे इसके साथ 60 साल बिताने हैं तो मुझे कितना टेंशन होगा? मतलब तुम कुछ भी कहोगे और मैं खामोश रहूंगा, हाथ पे हाथ धरे तुम्हारी बकवास सुनता रहूंगा? आप कॉलेज में मेरे लेक्चरर नहीं थे ससुर जी, सुपरवाइजर थे। और सुपरवाइजर वो होता है जो बस काम पर नजर रखे, टांग ना अड़ाए। यहाँ भी वही कीजिए, हम दोनों जो कर रहे हैं उस पर बस नजर रखिए। तुम होते कौन हो मुझे ऑर्डर देने वाले? तुम हो कौन? मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? ये लीजिए मेरा वोटर कार्ड, इसमें मेरे बारे में सब कुछ लिखा हुआ है, आराम से बैठकर पढ़िए। हाँ, तो हम कहाँ थे? मेरी बेटी के सामने मुझे नीचा दिखा के बहुत बड़ा हीरो बनना चाहते हो हैं? देखो, मैंने अगर ये बात तुम्हारे बाप को बताई ना तो वो तुम्हारी हड्डियाँ तोड़ के तुम्हें हमेशा के लिए घर में बंद कर देगा। अच्छा, कार्ड पर मेरा एड्रेस लिखा हुआ है, घर जाके आराम से मिलिए उन्हें। बाइक की चाबी। आपका बेटा। हेलो। तुम वही हो ना जो मेरे घर आए थे? मुझे पता था तुम मेरे घर की घंटी जरूर बजाओगे। मैं कुछ समझा नहीं। वो मेरा नालायक बेटा है ना, वो सब कुछ समझा देगा। तुम्हारा बेटा मेरी बेटी को परेशान करता है। मैंने ही उसे ऐसा करने के लिए कहा था, विद ऑल माय ब्लेसिंग्स। कैसे बाप हो, ये क्या कह रहे हो? समधी जी, आपकी बेटी बहुत सुंदर, सुशील और संस्कारी है। तुम्हारा बेटा जाहिल और एकदम गंवार है। कोई दामाद को ऐसा कहता है? उसका स्क्रू अगर ढीला है तो उसका मतलब मेरा भी स्क्रू ढीला है। तुम्हारा स्क्रू भी तुम्हारे बेटे की तरह ढीला है। क्या बात कर रहे हो, मेरी वजह से उसका स्क्रू ढीला होगा, उसकी वजह से मेरा स्क्रू कैसे ढीला होगा? जब बाप ही ऐसा होगा तो बेटा तो ऐसा होगा ही ना। बीज ही खराब होगा तो फल तो सड़ा हुआ निकलेगा ही। भाई साहब, सुना है कि आपकी बेटी बहुत सुंदर है। मेरे बेटे का भी यही कहना है और इनका भी यही कहना है, मुझे भी मिलना। आप उससे मुझे मिलवा दीजिए। ये किस तरह का अजीब परिवार है, सबके सब पागल हैं। मेरी बेटी को उस लड़के से बचाना होगा, इसका एक ही रास्ता है।
सॉरी पापा, मैं नहीं जानती थी कि वो इस तरह तमाशा खड़ा करेगा। उसके लिए तुम क्यों मुझसे माफी मांग रही हो बेटा? मुझे अपनी बेटी पर पूरा पूरा भरोसा है। आओ, गुड नाइट। बस बेटा एक बात याद रखना, मेरी आंखों में आंसू सिर्फ तुम्हें घर से विदा करते हुए आने चाहिए, इसलिए नहीं कि तुम गलत लड़के से शादी कर रही हो। क्लोरोफॉर्म सूंघा है? एक मिनट रुको। लगता है सारा खर्चा लाइटिंग पर ही कर दिया। अच्छी खासी हाइट है फिर भी बुटकी कहकर चिढ़ाता हूं, कमाल है। अच्छा है मेरे बदन पर लकी बर्थ मार्क है, वरना मेरी दाल नहीं गलती। पहली बार तुम्हें इस तरह सोते हुए देख रहा हूं, शायद कोई प्यारा सा सपना देख रही हो। तुमसे बहुत कुछ कहना चाहता हूं, रात रात भर नींद नहीं आती, आंखें खुली रहती हैं, एक अजीब सी फीलिंग है, मानो जान निकल रही हो। तुम्हें जोर से गले लगाने का मन करता है पर लगा नहीं पाता, लगता है जैसे सीने पर 100 किलो का वजन लेकर घूम रहा हूं। पहले जब भी कोई रोमांटिक गाना सुनता था तो मुझे वो बहुत बकवास लगता था, पर आजकल जब भी सुनता हूं तो लगता है जैसे हर एक गाना बस मेरे लिए लिखा गया है। मैं जानता हूं कि फिलहाल मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं उसका कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन भावनाओं को समझो यार। शादी कर लेते हैं ना, न्यूली मैरिड का बोर्ड और फूलों से सजी कार लेकर पूरा शहर घूमना है। शादी में स्टेज पर तुम्हारे साथ फोटोग्राफर को एक बहुत ही फिल्मी पोज देना है। जब खाने में नमक कम डालोगी तो तुम्हें झूठ मूठ डांटना है। मटर्निटी वार्ड के बाहर नर्वसली सिस्टर से आते जाते पूछना है कि मुझे लड़का हुआ या लड़की, लड़का हुआ या लड़की। ये सुनकर ऐसा मत सोचना मैं तुम्हारी इज्जत नहीं करता, मेरे मम्मी पापा में ऐसा ही प्यार है जो कभी हम में भी होगा। अब तक मैंने कभी अपनी बीवी को हाथ नहीं लगाया, तेरी इतनी हिम्मत कि तू उसे टच करे? कितना चिपकेगा, अबे उसे काट रहा है, उसकी चुम्मी ले रहा है, तेरी तो चला गया। इतने अच्छे फ्लो में था, सब डिस्टर्ब कर दिया। देर हो रही है, बस एक और इंपॉर्टेंट बात करनी है। एक मिनट रुको, आई विल बी बैक।